अपन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन जो डेमोग्राफिक का पार्ट है उसको आगे देखते हैं। डेमोग्राफिक के पार्ट पे अपन ने देखा मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या हो सकता है, किस तरीके से अपन डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं। इसमें सेवन इम्पॉर्टेंट जो डाटा कलेक्शन टूल है उसको अपन यूज़ करके डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इंटरव्यू देखते हैं, इंटरव्यू। सेकंड अपन क्वेश्चनेयर देखते हैं। थर्ड अपन देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। फोर्थ अपन देखते हैं कि किस मतलब डायरी हो सक डायरी है। फोर्थ फिफ्थ अपन देखते हैं सेंसस हो सकते हैं। सिक्स्थ अपन वाइटल इवेंट्स देख सकते हैं। और सेकंड अपन रिकॉर्ड। वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कैसे अपने हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कंटेंट अपन ने देखा सेवन, इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनेयर है, ऑब्जर्वेशन है, डायरी है, सेंसस है, वाइटल इवेंट्स है और रिकॉर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू का मीन्स होता है इसमें अपन डाटा कलेक्शन करेंगे, मतलब जो डाटा कलेक्शन का एक प्रोसेस है। इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द स्किल ऑफ इंडिविजुअल। द इंटरव्यूअर शुड हैव गुड नॉलेज सो डैट ही कैन एक्सप्लोर हिज नॉलेज। इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट। द क्वेश्चन विल आस्क शुड बी क्लियर। मतलब इसमें बताया गया है कि जो ये डाटा कलेक्शन का एक प्रोसेस है इंटरव्यू, इसमें जो इंटरव्यू ले रहा है उसमें एक अच्छा गुड स्किल होना चाहिए, गुड नॉलेज होना चाहिए जो इंटरव्यू देने आया है उसके रिगार्डिंग, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो इसमें इंटरव्यू के बारे में जानकारी, उसमें नॉलेज उसका जो एक्सप्लोर करे, और एक्सप्लोर जो इसमें अगर वो एक्सप्लोर कर रहा है तो उसके जो हाई लो असेस है या इवाल्यूएशन करके उसके फाइनल रिजल्ट पे पहुँचे। फॉर्मेट है मतलब उसके जो अकॉर्डिंग फॉर्मेट है, सिचुएशन है, उनको असेस करे। जो इंटरव्यू ले रहा है उसमें गुड नॉलेज होना चाहिए। और स्ट्रक्चर मतलब अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट करके, और वो जो वर्ड दे, वो क्वेश्चन उसका क्लियर होना चाहिए, और जो आंसर दे रहा है वो क्लियर वर्ड में देना चाहिए, ऐसे घुमा फिरा के नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर भी एक डाटा कलेक्शन का मेथड है। इसमें जो क्वेश्चनेयर आर प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। जो क्वेश्चनेयर अपन प्रिपेयर करते हैं वो हेल्थ स्टेटस फॉर द इंडिविजुअल, कम्युनिटी और फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। द क्वेश्चनेयर आर हेल्प इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू पीपल सो डैट दे कैन प्रमोट देयर हेल्थ। मतलब अपन जो क्वेश्चनेयर है वो हेल्प करता है उसकी हेल्थ एजुकेशन को और उसकी हेल्थ प्रमोट करने के लिए। जिसमें अपन समझ सकते हैं, जैसे अपन कम्युनिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हेल्थ एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चनेयर मेथड है वो अपने हेल्थ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ज़्यादातर इसमें अपन उसके लो, उसकी लैंग्वेज, जो अपन जैसे अपने एग्जांपल समझते हैं कि अपन कोई कम्युनिटी में गए विजिट करने के लिए, जो क्वेश्चनेयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं है वो अपने इंग्लिश में बना दिया और पर्सन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हिंदी में, मतलब ज़्यादातर उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है पेशेंट के। उसमें उसको अपन गाइडेंस दे सकते हैं, उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं नॉलेज, उसको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, उसमें इसका हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे हेल्थ एजुकेशन अपन दे सकते हैं, जैसे CSC पे गए अपन, आंगनवाड़ी या कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग रिगार्डिंग दे सकते हैं, उसको अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको एंटीनेटल केयर के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए अपन बता सकते हैं, या चार्ट या प्रिपेयर क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग अपन उसकी हेल्थ स्टेटस भी प्रमोट करेंगे और हेल्थ एजुकेशन का भी उसका नॉलेज इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑब्जर्वेशन। थर्ड टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इट इज़ अ मेथड, एक डाटा कलेक्शन मेथड है। इसमें रिकॉर्ड किया जाता है जो बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द पीपल इन अ सिस्टमेटिक वे। जो पेशेंट है उसका बिहेवियरल जो पैटर्न है उसको सिस्टमेटिक मतलब सिस्टमेटिक द्वारा किया जाता है, सिस्टमेटिक पैटर्न के द्वारा। जो स्टाफ नर्स है, मतलब इसको अपन एग्जांपल के समझ, जैसे कोई स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स जैसे हॉस्पिटल में वर्क कर रही है, अगर वो इंजेक्शन लगाना या कोई मेडिकेशन देना या ड्रेसिंग करना भूल गई है, कोई उसको सीनियर है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको सी कर रहा है, देख रहा है उसको, तो उसमें अगर कोई कमी करती है, वो अगर झूठ मतलब काम नहीं, मतलब ड्रेसिंग नहीं कर पाई या कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, मेडिकेशन नहीं दिया पेशेंट को टाइम के ऊपर, तो उसको अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। वो जो सीनियर स्टाफ है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी जैसी गलती होती है, तो उसको मतलब देख रहा है, वो मना नहीं कर सकती कि मैंने ये काम किया है। वो सीनियर है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वेशन मेथड है जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्चुअली ऑब्जर्व। मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, इट इज़
डैट देर इज़ नो क्लैश बिटवीन पीपल, मतलब इसमें कोई क्लैश या कोई झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है कि उसने ये काम नहीं किया है और वो क्या मैंने किया है, तो फिर उसमें क्लैश होने का चांसेस ज़्यादा है। इससे अपन ने देखा कि इसमें जो बिहेवियरल पैटर्न है, जो एग्जांपल, मतलब एग्जांपल के द्वारा, स्टाफ नर्स के द्वारा, या कोई भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं जिसमें उसमें कि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको मना नहीं कर सकती कि मैंने ये काम किया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायरी। डायरी इज़ द वेरी इंसेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू यूज द स्टाफ नर्स। डायरी आर यूज टू रिकॉर्ड द डाटा विच आर ऑब्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल। द डाटा विच इज़ कलेक्टेड इज़ यूज फॉर पर्सनल स्टडी, रिसर्च एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंटेशन। जो डायरी है, जैसे अपन एग्जाम्पल फॉर स्टाफ नर्स, जैसे स्टाफ नर्स है वो अपने पॉकेट में एक डायरी रखे, उस पर जैसे डायरी के अंदर पेशेंट की एज, नेम, सेक्स, उसका एड्रेस हो गया, उसको चीफ कंप्लेंट किया है, क्या डायग्नोसिस हुआ है उसको, मतलब उसने पॉकेट के अंदर जो डायरी है उसमें उसने नोट डाउन किया, तो उसको पर्सनल रिसर्च या उसको अपने रिसर्च पर्सनल के लिए उसने अपने रखा। और अगर NCP बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान, जैसे अपने नर्सिंग बनाते हैं पेशेंट के लिए, तो उसके लिए उसको हेल्प करेगा, उसके डायग्नोसिस के लिए अपन इम्प्रूव अच्छा डायग्नोसिस बना सकते हैं। अगर अपन ये नोट नहीं करते हैं तो अपन भूल जाएंगे, हाँ उसको क्या चीफ कंप्लेंट थी, डायग्नोसिस क्या था, नाम क्या था पेशेंट का, एज क्या थी, एड्रेस क्या था। तो ये बेनिफिट है अपने लिए कि अपने पॉकेट में एक डायरी होनी चाहिए, उसमें ये डाटा और रिकॉर्ड अपन करके रख। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेंसस। सेंसस क्या होता है? सेंसस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इट इज़ कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट इन एवरी 10 ईयर। जो सेंसस होता है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर 10 ईयर के बाद में एक डाटा कलेक्ट करती है, जिसमें इट इज़ अ अटेम्प्ट ऑफ कंडक्ट एवरी इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, जो एवरी इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। द डाटा इज़ कलेक्टेड अबाउट रिगार्डिंग एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मतलब उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, काम क्या करता है, एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है, ये कलेक्ट करने की। द सेंसस हेल्प टू आइडेंटिफाई द इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस रेट। जैसे अपन ने, जैसे मतलब अपन डाटा कलेक्शन करते हैं हर 10 ईयर बाय गवर्नमेंट, मतलब डाटा कलेक्शन करती है जिसमें अपन IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, इंसिडेंस, प्रीवलेंस, ये कर सकते हैं, जिसमें हर 5 साल बाद जैसे गवर्नमेंट अपन ये देख सकते हैं कि कितनी मोर्टिलिटी रेट हो रही है, कितनी मॉर्बिडिटी रेट लेट हो रही है। अगर इन सब की कॉन्सिक्वेंसेज अपन अगर ये सेंसस लेते हैं, इससे अपने को हेल्पफुल मिलती है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, इंसिडेंस या प्रीवलेंस, ये डाटा कलेक्शन का ही टाइप है। इसमें अपन देखते हैं कि अगर ये पास अपने पास डाटा होगा तो अपन पता लगा सकते हैं कि इन मोर्टिलिटी रेट किस वजह से पेशेंट ज़्यादा मर रहे हैं, किन केसेस से ज़्यादा मर रहे हैं, ये सेंसस द्वारा आइडेंटिफाई या इंक्रीज या डिक्रीज या वेरियस रेट हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल इवेंट्स या वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है? द रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स हेल्प अस इन आइडेंटिफाई द रेट ऑफ मैरिज, द रेट ऑफ डेथ, लीव, बर्थ रेट, इंसिडेंस रेट एंड मैनी अदर रेट्स विच आर असेंशियल फॉर फॉर्मुलेट अ गुड 5 ईयर। मतलब जो इसके अंदर अपने बर्थ का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, डेथ रेट का, मैरिज का, अगर ये सब अपने टाइम टू टाइम कराते हैं, जिसमें आइडिया पॉपुलेशन है, अगर क्या मतलब डेथ कितनी हो रही है डिजीज से, इन्फेंट मोर्टिलिटी, प्रोग्रेसिव लेंथ, या जो हेल्थ की फैसिलिटी है, वाइटल डिजीज जो प्रॉब्लम, मतलब कौन कौन सी डिजीज़ बढ़ रही है, ये अपन देख सकते हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन से अपन ये पता लगता है कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और डेथ से कितनों की डेथ होगी किस बीमारी से, या मैरिज के अंदर किस किस वजह से अपने, मतलब मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। और अगर ये सब कुछ अपन जैसे बर्थ अगर बढ़ रहा है, अगर डेथ घट रही है, तो अपन एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजर हो सकता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजर होगी तो कॉन्सिक्वेंस बढ़ेंगे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ये ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए अपने इसको अगर मैरिज हो रही है तो फैमिली प्लानिंग के मेथड ज़्यादा, अगर डिलीवरी या केसेस हो रहे हैं तो एक या दो, ठीक है बच्चे अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो अपन फैमिली प्लानिंग के मेथड बताएंगे या फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको एजुकेट करेंगे। इससे अपन कॉन्सिक्वेंस पॉपुलेशन एक्सपोजर के बारे में बता सके, कंट्रोल कर सके कॉन्सिक्वेंसेज या पॉवर्टी या अदर किसकी वजह से। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड इज़ अ मेन रिकॉर्ड केप्ट इन द हॉस्पिटल एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूट हेल्प अस द आइडेंटिफाई द नीड ऑफ पीपल। द रिकॉर्ड आर हेल्पफुल इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्शन विच आर टेकन बाई हॉस्पिटल अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी।
अपने रिकॉर्ड के अपन ये समझ सकते हैं, जैसे पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, एडमिट हुआ, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, किस कारण से वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, क्या कंप्लेंट थी पेशेंट को, डिस्चार्ज हुआ उस टाइम पेशेंट की कंडीशन क्या थी, ये अपन देख सकते हैं। और इसमें पेशेंट की हिस्ट्री देख सकते हैं, क्या डायग्नोसिस और वो एंड जब सही होके जाता है, मतलब पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होती है तब अपन कैसे मतलब देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अपन मतलब कॉलेज के अंदर देखते हैं, कॉलेज के अंदर कोई बच्चा आया, उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डॉक्यूमेंटेशन के रिकॉर्डिंग, अपने 10th मार्कशीट की है, परसेंटेज कितने हैं, बीएससी में कितने हैं या जीएनए में कितने हैं, उसका एक डाटा इज़ बहुत नर्सिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रिकॉर्ड। कोई इसके अंदर अपन न्यूट्रिशन देख सकते हैं, डाइटरी, मतलब अगर कोई और कॉलेज के अंदर है उसमें न्यूट्रिशन डाइट उसका चार्ट इम्पोर्टेंट, शिफ्ट पेशेंट का शिफ्ट देख सकते हैं कि शिफ्ट में या कोई पेशेंट की मार्कशीट घूम गई है तो इम्प्रूव करने के लिए उसकी नॉलेज बढ़ाने, मतलब उसकी जो मार्कशीट घूम गई है उसको अपन अगर हॉस्पिटल अथॉरिटी के पास है या कॉलेज अथॉरिटी के पास है, हॉस्पिटल में भी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से अपन इसको रिकॉर्ड अपने लिए नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने आज डिस्कस किया कि मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होता है, क्वेश्चनेयर देखा फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने डिस्कस किया कि इंटरव्यू, सेकंड अपन ने क्वेश्चनेयर देखा, थर्ड अपन ने ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस किया, देन अपन ने डायरी के बारे में डिस्कस किया, सेंसस के बारे में और वाइटल इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस